में लैंगिक जनन। तो सबसे पहले तो इस बात को समझेंगे कि जनन का अर्थ क्या होता है। सभी जीवों में अपने समान जीव उत्पन्न करने की जो प्रवृत्ति पाई जाती है उसे हम जनन कहते हैं। अर्थात जीवों के द्वारा अपनी जनसंख्या को बढ़ाने की प्रवृत्ति को जनन कहते हैं। और जनन की मुख्य रूप से तीन विधियां होती हैं, एक कायिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन और तीसरा लैंगिक जनन। अर्थात जीव की किसी कोशिका या जीव के किसी भाग से टूटकर नए जीव के बनने की क्रिया को हम कायिक जनन कहते हैं। और कोई कोशिका सूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा नए जीव को उत्पन्न करती है उस क्रिया को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। और अगर कोशिका में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है और नर तथा मादा युग्मकों के संयोजन से या उनके मिलने से जो नए जीव की बनता है उसको हम लैंगिक जनन कहते हैं। अब आज जो पाठ है हमारा वो है पुष्पीय पौधे। तो पुष्पीय पौधों में जो पौधे आते हैं उन्हें हम कहते हैं आवृत बीजी पौधे, आवृत बीजी पौधे। तो हमारे नगर में या हमारे आसपास के वातावरण में जो पौधे पाए जाते हैं वे सभी आवृत बीजी पौधे हैं। अर्थात वे पौधे जिनके बीजों के चारों ओर आवरण पाया जाता है उन्हें हम आवृत बीजी पौधे कहते हैं। जैसे जैसे चना देखने में तो कत्थई या काले रंग का होता है लेकिन जब उसका बीज छुटा दिया जाता है तो चना अंदर से पीले रंग का निकलता है। इसके मतलब क्या हुआ कि जो चने के बीज के ऊपर कत्थई रंग का जो आवरण होता है, इसी प्रकार से मूंगफली के दाने के ऊपर भी हल्का सा कत्थई रंग का या गेरुआ कलर का एक आवरण पाया जाता है। और जब उस आवरण को हटा दिया जाता है तो मूंगफली का दाना अंदर से सफेद रंग का निकलता है। तो जिन पौधों के बीजों के ऊपर आवरण पाया जाता है उन पौधों को हम आवृत बीजी पौधे कहते हैं। अब लैंगिक जनन के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण संरचना पाई जाती है उसको हम पुष्प कहते हैं। तो पुष्प किसे कहते हैं, तो स्तंभ अर्थात तने के रूपांतरित स्वरूप को, तने के रूपांतरित रूप को पुष्प कहते हैं। अब किसी भी पुष्प के में चार भाग पाए जाते हैं, पुष्प में चार भाग पाए जाते हैं। सबसे पहले बाहर की ओर बाहे दल पुंज, नंबर दो पे दल पुंज, फिर तीसरे पे पुंग केसर और चौथे नंबर पर स्त्री केसर। तो पुंग केसर और जो स्त्री केसर होते हैं वो पुष्प के नर जनन अंग होते हैं। और बाह्य दलपुंज और जो दलपुंज होता है ये पुष्प के सहायक अंग कहलाते हैं या कायिक अंग कहलाते हैं, क्योंकि इन दोनों अंगों का, बाह्य दलपुंज का और दलपुंज का
जनन क्रिया से कोई भी योगदान नहीं होता। जो पुंकेसर होता है इसके अंतर्गत नर, इसमें नर युग्मकों का निर्माण होता है और स्त्री केसर के अंतर्गत मादा युग्मक का निर्माण होता है। इस प्रकार से पुंकेसर पौधे का नर जनन अंग होता है और स्त्री केसर पौधे का मादा जनन अंग होता है। इन संरचनाओं के आधार पर पुष्प दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प, अंग्रेजी में कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर। तो जिन पुष्पों में ये चारों प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं उन पुष्पों को हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं और जिन पुष्पों में ये चारों प्रकार की संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं उनको हम इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। अब जिन पुष्पों में केवल पुंकेसर पाया जाता है लेकिन स्त्री केसर नहीं पाया जाता है तो उन पुष्पों को हम नर पुष्प कहते हैं और जिन पुष्पों में केवल स्त्री केसर पाया जाता है पुंकेसर नहीं पाया जाता है उन पुष्पों को हम फीमेल फ्लावर या मादा पुष्प कहते हैं। अब हम इनकी संरचना पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले पुंकेसर के ऊपर अगर किसी पुष्प के पुंकेसर को हम देखेंगे तो नीचे एक लंबी सी डंडी जैसी संरचना होती है और ऊपर एक मुगद्दर या विभिन्न कुछ पुष्पों में इस प्रकार से एक संरचना पाई जाती है। इन को कहते हैं पुतंतु, अंग्रेजी में फ्लामेंट्स, और जो ऊपर होता है इनको हम कहते हैं पराग कोश। क्या कहते हैं? पराग कोश। तो पुतंतु के द्वारा पुंकेसर जो होता है पुष्प के पुष्प आसन से लगा हुआ होता है और पराग कोश की कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के द्वारा पराग कणों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि पुंकेसर के पराग कोश भाग में पराग कणों का निर्माण होता है जो पौधे के नर युग्मक होते हैं। अब हम किसी भी पुंकेसर के अंतस्थ काट का अगर हम लोग सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अध्ययन करें तो वो इस प्रकार से चार भागों में बटी हुई संरचना होती है जिसमें सबसे बाहर की ओर की जो कोशिका होती है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं और यहाँ पर जो एक कोशिका होती है उसको हम स्पोर मदर सेल कहते हैं। स्पोर मदर सेल कहते हैं। इस कोशिका में सूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके द्वारा आगे चलकर विकसित होकर इसके चारों ओर एक परत का या लेयर का निर्माण हो जाता है जिसको हम इसके अंग ये दो लेयर की संरचना, प्रारंभ में दो लेयर की संरचना होती है और आगे चलकर यही संरचना तीन लेयर में परिवर्तित हो जाती है और इसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं जिनको हम स्पोर प्राइमरी स्पोर मदर सेल कहते हैं इनमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा पराग कणों का
निर्माण होता है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात होती है कि जो हमारे पुष्पीय पौधे होते हैं इनकी प्रत्येक कोशिका में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उनकी संख्या को हम 2N कहते हैं, अर्थात ये कोशिकाएं जो होती हैं वो द्विगुणित अवस्था में पाई जाती हैं, और जो पराकणों का निर्माण होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या एम रह जाती है, अर्थात जो पराकण होते हैं वे अगुणित होते हैं। तो इस प्रकार से पुष्पीय पौधों के जीवन चक्र में या जीवन काल में दो प्रकार की अवस्थाएं देखी जाती हैं कि जीवन की कुछ अवस्थाओं में कोशिकाओं के अंतर्गत गुणसूत्रों की संख्या 2N होती है, और कुछ समय के लिए जो युग्मक बनते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या N या अगुणित होती है। जो जीवन की जिस अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या 2N होती है उस अवस्था को स्पोरोफाइट अवस्था कहते हैं, और जिस अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या N होती है उस अवस्था को गैमेटोफाइट कहते हैं। तो इस प्रकार से पुष्पीय पौधों के जीवन में ये दोनों अवस्थाएं एक दूसरे के पश्चात आती हैं। इसी को पीढ़ी एकांतर या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं, और ये जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, क्योंकि हर पौधे के जीवन काल में या हर जीव के जीवन काल में स्पोरोफाइट अवस्था और गैमेटोफाइट अवस्था दोनों ही आती हैं। अब हम किसी पराकण की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम ये देखते हैं पराकण के अंदर एक महीन लेयर पाई जाती है और जिसके चारों ओर एक मोटी लेयर पाई जाती है जिसे हम बाह्य कला या बाह्य स्तर कहते हैं। अंग्रेजी में बाहरी परत को हम EXINE कहते हैं, और अंदर की जो परत होती है उसको हम इंटाइन कहते हैं, और इसके अंदर दो केंद्रक पाए जाते हैं। एक केंद्रक को हम ट्यूब न्यूक्लियस या काई केंद्रक कहते हैं और दूसरे को हम जर्म न्यूक्लियस या जनन कोशिका कहते हैं। कुछ स्थानों पर ये जो मोटी सी परत पाई जाती है बाह्य लेयर ये पतली होती है, और जिस स्थान पर ये पतली होती है उस स्थान को हम जर्म पोर कहते हैं, क्योंकि जब पराकण स्त्री केसर के ऊपर पहुंचते हैं और ये अंकुरित होते हैं तो इन्हीं जर्म पोर से एक नली निकलती है जिसे हम पराग नलिका कहते हैं। ये जो जन्म केंद्रक होता है ये विभाजित होकर दो केंद्रकों में बढ़ जाता है जिन्हें हम नर युग्मक कहते हैं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या N होती है। इनमें से एक नर युग्मक जो होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ संयुग्मन करता है, और दूसरा केंद्रक जो होता है वो एग सेल के साथ संयुग्मन करता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे का भाग इस पाठ का अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा।